हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज डायमेंशंस इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड लेंथ. बच्चों, दी हुई है हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस में चार फिजिकल क्वांटिटीज, और इसमें से हमें एक ऐसी क्वांटिटी को चूज करना है जो कि मास और लेंथ से इंडिपेंडेंट हो. मीन्स इसमें मास और लेंथ की डायमेंशन जीरो जीरो हो. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें जो कि एनर्जी है, एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं वर्क के जैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं एम डायमेंशन वन एल स्क्वायर टी माइनस टू. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. अब बच्चों, अगर हम ऑप्शन बी चेक करें, थ्रस्ट, तो बेसिकली थ्रस्ट मीन्स अ टाइप ऑफ फोर्स. सो यहाँ हमें डायमेंशन मिलेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें भी मास और लेंथ आ रहे हैं. अब बच्चों, थर्ड ऑप्शन में है हमारे पास में मोमेंटम. सो मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम वन एल वन टी माइनस वन. तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है. एंड ऑप्शन डी है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लिखते हैं टू पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, जिसमें कि हमें मिलेगा एम डायमेंशन जीरो एल डायमेंशन जीरो टी डायमेंशन माइनस वन. तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मास और लेंथ से इंडिपेंडेंट है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. थैंक यू.